देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र के पहला गांव निवासी पवन मौर्य ने क्षेत्रीय बालू खनन के ठेकेदार त्रिपुरारी के खिलाफ मानक के खिलाफ खनन और ओवरलोडिंग की शिकायत की थी। आरोपी की तहसील और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से ये अवैध बालू का कारोबार फल फूल रहा था। इसी के चलते पवन की शिकायत पर बालू ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से गुरेज करते हैं। मृतक के भाई का आरोप है कि बालू ठेकेदार ने भाई पवन को धमकाया और अगर मेरे खिलाफ शिकायत करोगे तो अंजाम बुरा होगा, लिहाजा देर रात जब पवन अपना पालिसर बंद कर पैदल घर वापस जा रहा था तभी बालू ठेकेदार ने बालू से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया। वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने वारदात से आग बबूला हो गए और ट्रैक्टर ट्रॉली को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और बालू ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने पर अड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। कई घंटों तक चले इस हंगामे के बाद अधिकारियों ने बालू ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम हटवाया। बालू का ट्रैक्टर आ रहा था जिसमें एक्सीडेंट हुआ है, पहला चौका चौराहे के पास बड़ी दर्दनाक घटना हुई है जिसमें पवन मौर्य एक व्यक्ति जो इस गांव के रहने वाले थे उनकी दर्दनाक मौत उस ट्रैक्टर से दबने से हुई है। कल संदना थाना क्षेत्र में एक पहला बाजार है, वहां पर एक बालू लदी ट्रैक्टर ट्राली से एक युवक का दबने से जो उसकी मृत्यु हो गई और मौके पर ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हो गए। उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली में आग लगा दिया और इस घटना पर तहरीर प्राप्त कर ली गई है, युवक पंजीकृत कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता आशु मलिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।